प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पार्ट 5 के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में आप पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डायवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। ये नीट के लिए यहाँ से क्वेश्चन बिलोंग होता है और माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। देखिए कि प्यारे दोस्तों की कंटेंट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डायवर्सिटी। स्पीशीज डायवर्सिटी किसे कहते हैं? तो स्पीशीज डायवर्सिटी की जब बात करते हैं तो ये सिंपली नंबर्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज की डायवर्सिटी के, और ये रिलेटिव अबंडेंस होता है कि कोई भी प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पीशीज में, और विच आर फाउंड इन अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है तो स्मॉलेस्ट लेवल होता है एटम से लेकर बायोस्फीयर तक। और जब बात करते हैं इकोसिस्टम की तो ये इकोसिस्टम रेफर करती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन हैबिटेट एज वेल एज इट्स अ फिजिकल एनवायरनमेंट फंक्शनिंग और इंटरेक्टिंग टुगेदर एज ए यूनिट। तो इस को ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि डज द नंबर ऑफ स्पीसीज के नंबर्स प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर? इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है दोस्तों? की इंटरेक्टिंग ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीसीज इन अ कॉमन लोकेशन या कॉमन हैबिटेट, उसे कम्युनिटी कहते हैं। तो अगेन क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे कि डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली ये मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का फंक्शनिंग करने के लिए नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी ये क्या होती है कि इसका मतलब होता है, क्या किसी कम्युनिटी में स्पीसीज के नंबर्स या संख्या वास्तव में इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए क्या इफेक्ट रखती है या करती है, ये इसका मतलब होता है पहली लाइन का। देखिए दोस्तों, ये जो आपको एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर। कि मतलब क्या होता है कि किसी भी कम्युनिटी में स्पीशीज के नंबर्स वास्तव में इकोसिस्टम के कार्य करने के लिए कोई मायने रखता है? तो इसका प्रॉपर आंसर, डेफिनेटिव आंसर आपको नहीं मिलता। देखिए दोस्तों, फॉर मेनी डिकेड्स, कई दशकों से क्या होता है कि इकोलॉजिस्ट यानी कि इकोलॉजी का स्टडी करने वाले बिलीव करते हैं कि दैट अ कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटीज होती है, कम्युनिटीज यानी कि इंटरेक्टिंग ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीशीज इन अ कॉमन लोकेशन, यदि कम्युनिटी में मोर स्पीशीज होती है, ज्यादा स्पीशीज होती है, तो जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल होती है, ज्यादा स्थिर होती है देन दोज विद लेस स्पीशीज। जिस कम्युनिटी में लेस स्पीशीज होगी वो कम्युनिटी क्या होगी कि लेस स्टेबल होगी, और जिस कम्युनिटी में ज्यादा स्पीसीज होगी मोर स्टेबल होगी, ऐसा इकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी? तो देखिए, बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी यानी कि स्पीसीज दैट ऑक्यूपाई पर्टिकुलर एरिया एंड इंटरेक्ट बिटवीन दोज स्पीसीज। उस जो भी स्पीसीज बायोलॉजिकल कम्युनिटी में होती है वो इंटरेक्ट करती है और उसे बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं। यहां पर अभी स्टेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात करते हैं, स्टेबल कम्युनिटी किससे कहते हैं? तो ये स्टेबल कम्युनिटी में कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, कई फीचर्स होते हैं या विशेषताएं होती है। तो कौन सी ऐसी स्टेबल कम्युनिटी होती है इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, स्टेबल कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए? Should not show a too much variation. कोई variation stable community में नहीं होना चाहिए। किसके बारे में? Productivity from year to year. दोस्तों, ये productivity क्या होती है? Productivity होती है biomass की। तो stable community को साल दर साल productivity किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ये productivity rate होता है। यहाँ पर ये important line कह रहा हूँ, productivity The रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और आपने इसके पहले वीडियो में देखा है कि ये एक्सप्रेस करता है वेट ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर, और जब बात करते हैं एनर्जी की कि किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर में, बहुत अधिक वेरिएशन नहीं दिखाने चाहिए। तो जब ऐसे वेरिएशन जो नहीं होते तो उसे स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं। किसके बारे में? तो बायोमास दर साल प्रोडक्टिविटी में, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ये इसमें बहुत अधिक वेरिएशन, चेंजेस नहीं होनी चाहिए, तो उसे स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं। दूसरी बात, स्टेबल कम्युनिटी की बात करते हैं तो स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध और रीसाइलेंट यानी कि स्टेबल होनी चाहिए टू द ऑकेजनल डिस्टर्बेंस की बात की है।
दोस्तों ये रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध और री साइलेंट यानी कि उस कम्युनिटी में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। ऑकेजनल डिस्टर्बेंस, तो ऑकेजनल डिस्टर्बेंस कौन से होते हैं साथियों? ये ऑकेजनल डिस्टर्बेंस नेचुरल होते हैं या मैन मेड होते हैं? जब बात करते हैं नेचुरल डिस्टर्बेंस की तो फ्लड, साइक्लोन, वॉल्केनोज और मैन मेड जो भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं स्टेबल कम्युनिटी के लिए, तो ये होते हैं पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग के। तो ये रेजिस्टेंस यदि नहीं होते तो ये स्टेबल कम्युनिटी मानी जाती है। और तीसरी बात, स्टेबल कम्युनिटी मस्ट आल्सो बी रेजिस्टेंस। किससे रेजिस्टेंस होनी चाहिए, किसे प्रतिरोध करना चाहिए स्टेबल कम्युनिटी में? स्टेबल कम्युनिटी में इन्वेशंस यानी कि कई इन्वेशंस ऑफ एलियन स्पीशीज। दोस्तों इस आगे भी आप एलियन स्पीशीज के बारे में जानेंगे कि एलियन स्पीशीज जैसे कैरड ग्रास, उसे पार्थिनियम कहते हैं, लेंटेना, वाटर हाइसियंथ, इकोर्निया कहते हैं, अफ्रीकन कैट फिश क्लैरिस, गैरेरी पाइनस के लिए रेजिस्टेंस के लिए भी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तो उसे स्टेबल कम्युनिटी कहेंगे। दोस्तों वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट, जो भी प्रतिमान, जो भी विशेषताएं स्टेबल कम्युनिटी में, स्टेबल कम्युनिटी की होती है, ये लिंक्ड आर लिंक्ड टू स्पीसीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में जो भी जितने भी प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्पीसीज की रिचनेस होती है उससे लिंक्ड होती है। कैसे? यहाँ पर बात करते हैं कि डेविड टिलमन, देखिए ये डेविड टिलमन इकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए। कैसे? यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, कई प्लांट और प्लांट के स्पीशीज में या एनिमल के स्पीशीज में आउटडोर प्लॉट्स पर उन्होंने स्टडी किया और प्रोवाइड ए सम टेंटेटिव आंसर। टेंटेटिव यानी आंसर्स का मतलब क्या होता है कि अंदाज लगाया उन्होंने किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम में कई अंदाज लगाए। कैसे लगाए इसकी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप बढ़ेंगे कि क्या लिखा है, मोर स्पीशीज होगी तो स्टेबल क्या होगी, कि मोर स्पीशीज होगी तो लिखा है कि मोर स्टेबल होगी और लेस स्पीशीज किसी भी कम्युनिटी में होगी तो ये लेस स्टेबल होगी, यही उनका अंदाजा था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया था। दोस्तों इसके आगे देखेंगे कि डेविड टिलमन्स ने क्या फाउंड किया उनके एक्सपेरिमेंट में। देखिए उनके प्लॉट्स में क्या बात की कि यदि मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन अ टोटल बायोमास। उन्होंने बायोमास का स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि यदि मोर स्पीशीज होगी उनके प्लॉट्स में तो उन्होंने देखा कि बायोमास में लेस वेरिएशन हुआ, कोई ज्यादा कम बदलाव हुआ ईयर टू ईयर। और टिलमन ने शोड किया कि उन्हें उनकी एक्सपेरिमेंट ने क्या इंक्रीज द डाइवर्सिटी, यदि डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है ये कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हायर प्रोडक्टिविटी। यदि डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है स्पीसीज की तो प्रोडक्टिविटी हायर बन जाती है। तो उनके प्लॉट देखिए, ये डेविड टिलमन का फोटोग्राफ आपके लिए दिया है, यहाँ पर ये लेस बायोडाइवर्सिटी है और ये मोर बायोडाइवर्सिटी है। दोस्तों आगे बात करते हैं, ऑल दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली, यहाँ पर भी कोई आपका समाधान नहीं हो सकता, तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि हाउ स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज की मात्रा यदि ज्यादा होती है और ये कॉन्ट्रीब्यूट टू वेल बींग ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि बात करते हैं हम यहाँ महसूस करते हैं कि पर्याप्त जानते हैं कि स्पीसीज रिचनेस न केवल इकोसिस्टम के हेल्थ की बात की है, तो इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए आवश्यक है बल्कि इस अर्थ पर, देखिए बट इम्परेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस दिस प्लैनेट। मतलब क्या होता है, यहाँ से अभी अगेन पढ़ेंगे कि ऑल दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, कैसे हाउ स्पीसीज रिचनेस कॉन्ट्रीब्यूट करता है, स्पीसीज की मात्रा ज्यादा होती है या कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है, किस लिए, वेल बींग ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के लिए कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है। वी नो इनफ टू रियलाइज दैट रिच डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली ए एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ। इकोसिस्टम के लिए रिच बायोडाइवर्सिटी ये एसेंशियल नहीं होती, लेकिन बात करते हैं इंपरेटिव फॉर वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लैनेट। मतलब बल्कि इसके बल्कि इस अर्थ
प्लानेट यानी कि अर्थ प्लानेट पर ह्यूमन रेस यानी कि मानव जाति अस्तित्व के लिए सर्वाइवल के लिए अत्यावश्यक होती है, अनिवार्य होती है, ये बात यहाँ पर कही है। नेक्स्ट देखेंगे कि एट द टाइम व्हेन वी आर लूजिंग द स्पीसीज, यदि इकोसिस्टम में या कम्युनिटी में आप स्पीसीज लूजिंग करते हैं, स्पीसीज खो जाती है, स्पीसीज का एक्सटेंशन होता है, एट एन अलार्मिंग स्पेस, मतलब ऐसे समय में हम जब हम स्पीसीज को खतरनाक गति से लूज कर रहे हैं, खो रहे हो, तो कोई पूछ सकता है, माइट बी आस्क, कोई पूछ सकता है, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, डज इट रियली मैटर टू अस इफ फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब सम स्पीसीज एक्सटेंट हो जाती है तो हम पर वास्तव में रियली में क्या फर्क पड़ता है। तो इसका आंसर आप आगे जानेंगे दोस्तों कि वुड कैसे, कई क्वेश्चन यहां पर आपको एनसीईआरटी में पूछे हैं इसके बारे में, स्पीसीज एक्सटेंशन के बारे में। वुड वेस्टर्न घाट्स, दोस्तों इंडिया में वेस्टर्न घाट्स गुजरात बॉर्डर से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है, और इस वेस्टर्न घाट में कि जो भी इकोसिस्टम होती है बी लेस फंक्शनल, कैसे कम कार्य करेगी, इफ वन ऑफ द इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर ईयर। देखिए दोस्तों ये वेस्टर्न घाट में ट्रीपर फ्रॉग पाए जाते हैं, ट्रीपर फ्रॉग्स के क्या करते हैं, गुजरान करते हैं, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। यदि इस ट्री फ्रॉग्स की स्पीसीज एकाधी स्पीसीज कम हो जाती है तो इकोसिस्टम ये लेस फंक्शनल होगी, कम कार्य करेगी, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स ऑन द अर्थ। दोस्तों देखिए कि इस धरती पर, इस अर्थ पर नियर अबाउट 20,000 स्पीसीज चींटियों की है, एंट्स की है, उसमें से उनमें से 15,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स ऑन अर्थ, मतलब 5,000 स्पीसीज 20,000 स्पीसीज की एंट्स की स्पीसीज में कम होती है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जो भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी क्वालिटी पर कई फर्क पड़ता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों देयर आर नो डायरेक्ट आंसर, इस दो क्वेश्चन का, वेस्टर्न घाट की फ्रॉग्स का या चींटियों का आंसर डायरेक्ट आंसर नहीं है, ये सिंपल या नेवेवियो क्वेश्चन है, बट वी कैन डेवलप ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव, ए प्रॉपर परिप्रेक्ष्य यहां पर आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे, थ्रू ए एनालॉजी यानी कि कई एग्जांपल से, एनालॉजी यानी कि एग्जांपल, और ये एग्जांपल है कौन सा, द रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। वेस्टर्न घाट की जब बात करते हैं तो यहां पर ये ट्री फ्रॉग दिया है, और जब बात करते हैं कि दो क्वेश्चन वेस्टर्न घाट के फ्रॉग्स और चींटियों की जब बात करते हैं, इनके लिए एक हाइपोथेसिस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट पॉल एयरलिच, इन्होंने एक एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया है। यहाँ पर देखिए कि पॉल एयरलिच, और उन्होंने आगे बात करते हैं कि पॉल एयरलिच ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है एरोप्लेन, और पॉल एयरलिच ने माना है कि एरोप्लेन एक इकोसिस्टम है, और इन्होंने क्या कहा, ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स, तो रिवेट्स यानी कि कीले, ये देखिए कि एरोप्लेन में या बस में आपको रिवेट दिखाई देती है, और इस रिवेट्स को उन्होंने माना कि स्पीशीज। देखिए भेदी महत्वपूर्ण है, क्या कहा पॉल एयरलिच ने, इफ एवरी पैसेंजर, ये विमान में या हवाई जहाज में पैसेंजर्स ये क्या करते हैं, जर्नी करते हैं, यदि एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन स्टार्ट पॉपिंग ए रिवेट टू ए टेक होम, यदि कई पैसेंजर ने एरोप्लेन के कई केले निकाले और घर पर लेके गए तो क्या फर्क होता है, कॉजिंग अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, वो सिंगल स्पीसीज क्या होगी, रिवेट यानी कि सिंगल स्पीसीज ये एक्सटिंक्ट होगी। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट ऑफ सिकिट, यदि आप रिवेट यानी कि स्पीसीज को एक्सटेंड करते हैं, पॉप आउट करते हैं, एक रिवेट को स्पीसीज माना है तो क्या होगा, नॉट इफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी यानी कि प्रवास के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम के लिए शुरुआत में इनिशियली। अगेन क्या लिखा है दोस्तों,
बट मोर एंड मोर वेट्स, यदि उस हवाई जहाज के ज्यादा से ज्यादा केले आप निकालेंगे, रिवेट्स निकालेंगे, रिमूव करेंगे, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक होगा, आपकी हवाई यात्रा वीक होगी, प्लेन भी वीक होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। आगे दिखाई दे रहा है फर्दर मोर, उसके बाद एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन विच रिवेट्स, यानी कि कौन सी स्पीसीज विच इज अ रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल, कौन सा किला आप निकालने के बाद आपकी हवाई यात्रा क्रिटिकल होगी, डेंजर होगी। देखिए लॉस ऑफ रिवेट्स यानी कि किले का लॉस ऑन अ विंग्स, विंग्स विंग्स का मतलब क्या होता है, जो भी पंखे होते हैं उनके जब किले निकालेंगे या स्पीसीज निकालेंगे तो दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन होता है। ये हवाई जहाज के पंखे मेजर इकोसिस्टम के फंक्शन करते हैं। दैट इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट्स टू फ्लाइट सेफ्टी, आपकी फ्लाइट सेफ्टी ये क्या होगी, सीरियस होगी, डेंजरस में जाएंगी देन लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट्स ऑन अ सीट्स। यदि आप सीट्स के रिवेट्स निकालेंगे, विंडोज के रिवेट्स निकालेंगे, उनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप स्पीसीज या की स्पीसीज मानी जाती है, कौन सी विंग्स के रिवेट्स, यहां पर देखिए विंग्स के रिवेट्स या की स्पीसीज मानी जाती है, यदि आप निकालेंगे तो क्या होगा कि आपकी जर्नी क्या होगी, सीरियस होगी और आप फ्लाइट सेफ्टी नहीं होगी। किसी भी इकोसिस्टम में जो भी महत्वपूर्ण स्पीसीज होती है, टाइगर जैसी, लॉयन जैसी, यदि उस इकोसिस्टम में ये नहीं होती तो क्या होगा कि की स्पीसीज नहीं होगी, तो आपकी जर्नी क्या होगी, ये खतरे में जाएगी, डेंजरस होगी। दोस्तों यहां पर स्टॉप करते हैं, इस प्रेजेंटेशन को लाइक करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।